गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल चैप्टर रीड किया है ना, तो इसी में आपको पेज नंबर 23 पर देखेंगे आप गे पार्ट। उदाहरण पढ़ो और दो वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाओ। तो उदाहरण देखिए, वल्लभ भाई पटेल भारत आ गए, पूर्ण विराम। ये यहाँ तक एक वाक्य हो गया। पूर्ण विराम का मतलब होता है कि एक वाक्य कंप्लीट हो चुका है। वे अहमदाबाद में वकालत करने लगे, ये दूसरा वाक्य हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दो वाक्यों को एक वाक्य बनाने के लिए सबसे पहला रूल तो होता है कि पूर्ण विराम जो होता है ये हट जाता है। ठीक है, इसके स्थान पर और, तथा, किंतु, परंतु, क्योंकि आदि शब्द आ जाते हैं। वल्लभ भाई पटेल भारत आ गए और अहमदाबाद में वकालत करने लगे। इसी तरह आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि ये देखिए, वे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, पूर्ण विराम। उनके घर की आर्थिक दशा ठीक नहीं थी, पूर्ण विराम। तो ये दो वाक्य हो गए क्योंकि दो पूर्ण विराम आ गए हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए, एक वाक्य बनाने के लिए, वे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे किंतु उनके घर की आर्थिक दशा ठीक नहीं थी, पूर्ण विराम। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपको बाकी के ये तीन क्वेश्चंस खुद से करने हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।